हेलो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग बेनिश एंड एनीगर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। सो आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा, कल रात को और परसों रात को बेनी साहब ने बहुत ज़्यादा मतलब कि तंग किया। परसों रात को तो इतना ज़्यादा वो रोया नहीं था, लेकिन रोता था तो उसको उठ के बैठ के मैं गोद में ले लेती थी तो बेनी सो जाता था, तो फिर मैं भी जो थी वो सो जाती थी। लेकिन कल रात को तो बेनी साहब ने हद ही कर दी, क्योंकि बेनी साहब इतना रोए। फिर उन्होंने लाइट्स वगैरह जलाई, फिर हम उसको ले गए कमरों में घूमे, अम्मी अब्बू के कमरे में जाकर के उसको बिठाया हम लोगों ने, फिर अपने भी रूम में उसको लेके घूमते रहे कि किसी तरीके से बच्चा जो है सेटल डाउन हो जाए। सो अब्बू सुबह गुस्सा कर रहे थे कि तुम लोग रात को लेट आते हो और तुम लोगों को पता है कब्रिस्तान वाले रास्ते से तुम लोग आते जाते हो, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखा करो, तो ये चीज़ नहीं किया करो। बच्चा छोटा तुम लोग के पास होता तो शायद मैं भी, मैंने अभी जैसा कि छोटा है तो मैं भी वो डर जाता हो या कुछ ऐसा कहते हैं बड़े कि ऐसा होता है, तो इस वजह से थोड़ा ना हम लोग भी थोड़े परेशान हो गए। क्योंकि बैनी था नींद में ही रात में भी, तो फिर ऐसे ना खुद ही उठ के बैठ, अभी तो जैसे कि वो खुदा उनका शुक्र है कि वो उठ के बैठ जाते हैं, तो वो उठ के बैठ रहा था तो आँखें बंद थी और ऐसे जैसे बंदा परेशान भी हो रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने दुआ भी की और फिर उसके बाद है बैनी साहब सो गए आराम से। फिर वो सुबह 8 बजे फिर उठ गए, फिर उसका वही बैनी साहब का, फिर उसको मैं गोद में लेकर के बैठी और फिर जाके वो सोए, तो फिर जाके मैं भी थोड़ी देर, मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया। लेकिन ना तो उसके बाबा रात भर सो सके, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया था कि बहनी के बाबा का ऑफ है आज वेनसडे वाले दिन, उन्होंने किसी उसके फ्रेंड के साथ एक्सचेंज किया है, जबकि मैंने बहनी के बाबा के साथ थोड़ा झगड़ा किया कि आपको पता नहीं था कि मेरा बर्थडे है 23 को और आपने जो है जुमेरात वाले दिन जो दिन था कि अपनी फैमिली के साथ या मेरे साथ आप स्पेंड करते, आपने जॉब को चुना। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। खैर अभी तो ये बाकी में बर्थडे वगैरह का तो कोई सीन ही नहीं होता, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं बर्थडे वगैरह जब करते हैं तो अच्छे से सेलिब्रेशन होती है। लेकिन अभी वो हम लोग अभी उस एज के नहीं रहे कि जब हमारे हर रोज़ बर्थडे वगैरह हो या कुछ भी सेलिब्रेशन की जाए। सो अच्छा ये सारा सीन था, तो बैनी साहब जो है ना रात भर हम लोग को उसने बहुत तंग किया। फिर जब मैं उठी 12:30 बजे, उसके बाद मैंने बनाया नाश्ता, नाश्ता भी बनाया जल्दी जल्दी, फिर छोटी सिस्टर की कॉल्स आ रही थी क्योंकि यहाँ पे अकेली थी। अब करते करते मुझे नाश्ता बनाते बनाते 2 बज गए, क्योंकि बैनी साहब भी तंग कर रहे थे और फिर बैनी अपने कभी बाबा के पास जा रहे कभी मेरे पास आ रहे, तो वो भी मैंने सारा फिर किचन को नीट वगैरह करने के बाद मैंने कपड़े भी डिप कर लिए बैनी के पापा के। फिर छोटी सिस्टर की अम्मी से जो था कांटेक्ट हुआ और अम्मी को फिर हम लोगों ने इधर मैंने बोला, छोटी सिस्टर ने बोला और फिर अम्मी ने भी मुझे बोला कि चलो तुम लोग फिर आ जाना, मैं जा रही हूँ वहाँ पे। सो अब भी हम थोड़ी देर हुई है आए हैं और अभी मेरा ख्याल है टाइम उनने क्या हो रहा है, अभी 9:10 हो रहे हैं। अभी वो मुझे छोड़ के गए, वो किसी अपने पेशेंट वगैरह के पास गए, किसी पेशेंट वगैरह की कॉल आई थी तो अर्जेंट उनको जाना पड़ा है तो वो वहाँ चले गए। सो मैं अभी यहाँ पर आई हूँ और साथ में थोड़े से मैं फ्राइज़ भी लेकर आई थी, भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से काम कर रही थी। बैनी के बाबा के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे और बैनी के कपड़े थे, तो वो सारे मैं वॉश करके आगे वो मैं आप लोगों को घर पे जाके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी वहाँ पे लाइट भी नहीं थी इसलिए मैंने वहाँ से व्लॉग शूट नहीं किया। और यहाँ पर मम्मा ने खाना वाना बना के रखा हुआ था और मम्मा कह रही थी कि मैं जो है ना अब भी आप लोगों को रोटी बना कर दे देते हो, लेकिन मैंने के बाबा अभी चले गए, वो भी आएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग कुछ खाना वाना खाएंगे। लेकिन अभी जो है मैं फ्राइज़ थोड़े से खाऊंगी क्योंकि घबराहट इतनी हो रही थी, भूख मतलब तब का नाश्ता किया हुआ 1:30-2 बजे का और अभी हम लोग को मतलब काम में इतना बिजी रहा और इतनी थकन हो चुकी है ना कि सर के बालों से लेके पैरों के नाखूनों तक इतना बॉडी कोरी है कि बता नहीं सकती। तो मैं भी रात में पैनाडोल खा लूँगी और हाथ मेरा इतना स्वेल हो चुका है कि वो कपड़े वगैरह ने छोड़ने की वजह से और पानी भी आज आया हुआ था तो उसकी वजह से। सो मैं अभी फ्राइज़ खाऊँगी, फिर बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। Happy birthday to you.
थैंक यू फॉर दिस केक एंड सेलिब्रेट किया मेरी बर्थडे को, बहुत हैप्पी हुई हूँ मैं। और अभी हम केक खाएंगे। बाबा केक खिलाऊं बिट्टी? और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट तो यही है, मुझे दे दिया था खुदावन ने, शुक्र है। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी घर पे पहुँचे हैं और टाइम जो है पौने दो का होने वाला है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टाइम भी। सो अभी ने आज सरप्राइज दे दिया बर्थडे का, जो कि मुझे बिल्कुल भी जहन गुमान में नहीं था। ये और छोटा भनोई, तो ये दोनों हम लोग कॉल कर रहे थे तो ये दोनों हम लोग को टोपियाँ तो करा रहे थे, लेकिन मुझे जहन गुमान में नहीं था। और जब ये आए तो खाली हाथ ही आए थे, तो फिर मैंने भी बोला कि एक होता ही ना बंदे को, लेकिन मुझे नहीं था क्योंकि अभी सेलिब्रेशन तो बच्चे छोटे करते हैं, उनकी होती है बर्थडे, तो उनको एक होता भी है। तो खैर थैंक यू अभी सो मच कि आपने मुझे सरप्राइज़ दिया। और मैं दुआ, अच्छा ये लोग इतने शान है मुझे कहते हैं तुम ना चलो बैठो खाना। हम लोग खाना खाने के लिए बैठने लगे, आलू शिमला मिर्ची और चिकन बनाई थी, तो हम लोग खाना खाने के लिए बैठने लगे तो मुझे कहते हैं सब लोग कि तुम ना दुआ करो ना बैठ के ना। तो मैंने बोला चलो सही है, मैं दुआ करती हूँ। तो खाना लेकर के सब बैठे हुए थे, दस्तरखान लगाया हुआ था, तो ये लोग मुझे बोलते तुम ना दुआ तुम करो। हालांकि कल भी मैंने की थी तो बड़े होशियार है, कहते चलो दुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं, दुआ का क्या है, दुआ तो रोज़ भी बंदा करे तो कम है, शुक्रगुजारी करनी होती है उस मालिक की जो हमें रिज्क देता है, जो हमें खाने को प्रोवाइड करता है। तो मैंने दुआ करना स्टार्ट कर दी। अब इन लोग क्या प्लान थे इन तीनों के मुझे पता नहीं था। छोटी बहन को भी जब ये लोग केक लेकर के आ गए उसको तब पता चला, उससे पहले उसको भी नहीं पता था। तो उसको फिर वो कह रही है इन लोगों ने ना दूसरी खिड़की से ना मुझे वहाँ पे दे दिया था, मुझे नुमान ने बुला लिया था, तो मैंने वहाँ जाके फिर केक इस तरह करके रख दिया था। रात असल में लेट बहुत हो चुका था, तकरीबन ये लोग 11:45 बजे तो घर पे पहुँचे, तो फिर दस्तरखान लगाते तो टाइम तो बर्थडे वाले दिन का ही हो रहा था। तो बस फिर इन लोगों ने फिर इस तरीके से मेरी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की है आज। सो थैंक यू मिक्की नुमान का भी कि तुम लोगों ने मतलब सरप्राइज इस तरह का बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने दो आज ऐसे ही ख़त्म की और मेरे सामने केक था, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सो बस अभी सोते हैं क्योंकि कल हम लोग दो रातों से तो कंटिन्यूसली जाग रहे हैं और फिर थकन इतनी ज़्यादा है, फिर घर के काम काज भी, हाथों की भी स्वेलिंग मेरे, अभी दोबारा मैं हीट पैड लेकर आई हूँ तो उससे मैं इसको करूँगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और सपोर्ट करें हमारे चैनल को। सो मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में, खुदा हाफिज़। व्यूअर्स हम तो सोने की तैयारी में थे, अब मैंने व्लॉग का भी मैंने आप लोगों से अलविदा ले ली थी, लेकिन ये बंदा 2:45 हो रहे मतलब 3:10 बाकी हैं और ये बंदा जो है नहीं सो रहा। और ये सामने देखें इसके फुल चार्ज हुआ हुआ ये बंदा, हमारी तो 3 दिन से इस बंदे ने नींदें उड़ाई हुई हैं। तो अब सोचें कि हम क्या करें और क्या ना करें। और इसको मैं सुलाने की भी इतनी कोशिश की है और फिर ये लाइट ऑफ करो तो ये रोने लग जाता है। तो मुझे इस बंदे का हल बताएं कि मैं इसके साथ क्या करूं, ना तो ये खुश होता है ना हमें सोने देता है।
और सुभाष के बाबा को भी 3 दिन हो जाएंगे तकरीबन जागते हुए, और ये बंदा जो है नहीं सो रहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे सुलाऊं, क्योंकि ये जो है फीड कर लेगा, थोड़ा सा रो लेगा तो फिर इसको खेलना कुछ ना कुछ याद आ जाता है इसको। और अभी फिर इसका यही हाल चल रहा है, और अब इसको देखें ज़रा सा सुकून नहीं है। कभी उधर जाता है फिर मेरे पास आता है, कभी मुंह से पटाखे बजा रहा है ये। तो इस बंदे को और करें, मैं इसको रिक्वेस्ट करी को सो जा और सोने दे, सुबह तेरे बाबा ने भी जाना है। पर ये कहाँ सुने किसी की। हम दोनों इतने टाइट हुए हैं, इतने टाइट हुए, सारा दिन इस बंदे को हस्बैंड ने संभाला, क्योंकि मैं तो कपड़े धो रही थी, काम काज कर रही थी, पर ये बंदा जो है तब भी नहीं इसने मुंह में ज़ुबान डाली। पता नहीं क्यों इतना इरिटेट होता है, रोता है फालतू में, बोलेगा हर वक्त बाहर लेके जाओ। तो बाहर तो नहीं ना आप सारा सारा दिन इसको रख सकते, हमें अपने भी काम होते हैं, घर को भी देखना होता है। और इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। उसके बाबा भी कह रहे इसको सुलाओ किसी तरीके से, मैंने बोला कैसे सुलाओ, ये बहुत अजीब कंडीशन बना देता हमारी। तो ये कह रहे हैं, मुझे कहते हैं सर 2-3 दिन और हैं, हम मुझे लगता है हम लोगों ने पागल हो जाना दोनों ने। मैंने बोला ये तो सच हुआ है। सो अभी देखते हैं ये सोता है कि नहीं सोता, क्या करूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रही, मुझे खुद इतनी शदीद किस्म की नींद आ रही है उसको देखे। मम्मा पैरा नहीं पास आ रही। बाबा क्या है बहनी सो जा। मुझे लगा अम्मी जाग रही है, लेकिन अम्मी तो सो रही है, अबू भी सोए हुए, तो पैरों की आवाज़ आ रही थी। मतलब पता नहीं क्या देखा जा करके, तो कैंडीज के जो न्यू बॉर्न के मोजे थे ना इसके छोटे से, तो वो एक लेकर के तो उसके साथ खेल रही थी, तो मैं भी उससे पकड़ के तो ऊपर रख के आई हूँ, क्योंकि वो थोड़े से मोटे थे। तो लास्ट टाइम मैंने बहनी को ना पहनाए हुए थे, तो वो भी पूरे आ गए थे, लेकिन उसके नोशो बन गए थे। तो अभी जो है कैंडी मैडम भी खेलने में लगी हुई है, और मैं यहाँ पे बस क्या करूँ, बस सब टाइम पास तो करना है ना किस तरीके से भी। जब इसको नींद आएगी तो हम भी सोएंगे। और ये देखिए कैंडी, कैंडू तो ये देखा अपने कैंडी को, तो कैंडी मस्तियाँ कर रही खेल रही है। तो मैं भी गई थी, पैरों के चलने की आवाज़ आ रही कहाँ से आ रही, तो देखा तो वो ये खेल रही थी, तो मैंने जाके देखा, मेरे पास शायद अम्मी अबू जा करें, लेकिन वो लोग तो सोए हैं। तो बस अभी क्या करें, सोना तो चाह रहे हैं लेकिन ये बंदा सोने नहीं दे रहा। जागते हैं इसके साथ, फिर अब क्या कर सकते हैं। कल फिर छोटी सिस्टर के घर जाऊँगी, उसके इन लॉज अभी तक नहीं आ रहे हैं, जब तक वो लोग नहीं आते हम लोग को फिर वहीं आना जाना पड़ेगा, मुश्किल हो रही है। और ये बहनी का भी थोड़ा यही मसला चल रहा है, क्योंकि ये इसको मैं 5:30 सुला देती थी मैं तकरीबन 12:15 तक, लेकिन अभी जो है बहनी साहब को जो है वो ये डिस्टर्ब रहने की वजह से ये अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे। ये अगर रास्ते में सो जाता है तो हम जब घर पे लेकर आते हैं तो ये उठ जाता है, तब तक ये चार्ज हो जाता है। तो बस इसकी वजह से हम लोग की जो नींद है ना वो डिस्टर्ब हुए हुई हैं। चले फिर मैं बंद करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में, मिलती हूँ फिर आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करती हूँ उसको सुलाने के, पूरे 3 बच्चों के, हमारी आँखें दर्द हो रही है नींद की वजह से, सर भी, और इस बंदे को नींद नहीं आ रही, क्या करें। छोड़ते हैं फिर, हम लोग कोशिश करते हैं इसको कुछ करके सुलाती हूँ, झूला वूला देती हूँ ताकि ये सो जाए, फिर हम लोग भी सोएंगे।